नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 8 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबका एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 9 सितंबर से लेकर आज तक यानी कि 21 सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पर यहां पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं इन सभी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग सबसे पहले नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निवेश को इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं, पहले आंसर कीजिएगा उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है इस वीडियो के अंत में देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की जनसंख्या में अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्वेक्षण का कार्य कब से शुरू हो गया है। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आज के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा छत्तीसगढ़ का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को शुभारंभ किया है। मिलेट मिशन कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। और इसके लिए एमओयू किया गया है किसके साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद की तरफ से। और एमओयू साइन हुआ है छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के साथ में। हालांकि अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ के लगभग 20 जिलों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से अभी जो 14 जिलों में जिनका उत्पादन सर्वाधिक है इन जिलों का, वहां पर एमओयू साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ में। इसका काम ये होगा कि इन 14 जिलों को प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन्हें टेक्निकली सपोर्ट दिया जाएगा कि किस प्रकार से मिलेट का जो है उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के लिए याद रखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ इस एमओयू के साथ में हुआ है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ हाल ही में हुआ है और किस एजेंसी के साथ में इसका एमओयू हुआ है, तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद की तरफ से। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बताया कि 20 जिलों में कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन होता है। प्रथम चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है, बाद में और जिलों को भी बढ़ाया जाएगा। और इस मिशन के अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन करने पर अगर नॉर्मल खेत में अगर आप इनका उत्पादन करते हैं तो 9000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से आपको समर्थन मूल्य दिया जाएगा, यानी कि इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप धान की जगह कोदो, कुटकी या फिर रागी लगाते हैं तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10000 रुपए प्रति एकड़ आपको यहां इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़े थे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अगर धान की जगह पे वृक्षारोपण लगाते हैं तो भी आपको 10000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात कही गई थी। और अगर आप कोदो, कुटकी और रागी भी लगाते हैं तो भी आपको 10000 रुपए प्रति एकड़ जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान की जगह लगाते हैं तो आपको जो है इनपुट सब्सिडी यहां पर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद दूसरा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा सिर्फ वन लाइनर टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि वनों में जो उत्सर्जित होने वाले गैसेज होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और गैसेज हो गया, उन पर पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार रघुनाथ नगर में छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया है। और यह जो फ्लक्स टावर है कहां लगाया गया है याद रखिएगा, तो रघुनाथ नगर है जो कि वन परिक्षेत्र बलरामपुर में आता है, यानी कि बलरामपुर जिले में इस तरह का जो है पहला कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया है, ताकि यहां पर टावर लगाकर बताया जा सके कि इस वन से कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जा रहा है, ताकि एक अनुमान और सही आंकड़ा लगाया जा सके।
तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लक्स टावर कौन से जिले में लगाया गया है, कौन से वन परिक्षेत्र में लगाया गया है, तो आप आंसर करेंगे बलरामपुर या फिर रघुनाथ नगर। ठीक, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो आप उस हिसाब से आंसर लगाएंगे। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, बस्तर को मिला है द मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड, किसके लिए? तो हाल ही में कोलकाता में नेताजी स्टेडियम में 10 से 13 सितंबर तक एक टूरिस्ट ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में 10 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित किया गया है टूरिस्ट ट्रेड फेयर मेला। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर कई राज्यों के जो हैं वहाँ पर प्रतिनिधि जाते हैं और अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के टूरिस्ट के बारे में वहाँ पर खूबियाँ गिनाते हैं। जिलों के प्रतिनिधि भी जाते हैं अलग अलग जिलों से, तो छत्तीसगढ़ के भी बस्तर से प्रतिनिधि गए थे और वहाँ पर अलग अलग आयोजन किया गया था। बस्तर में क्या है, कैसा है, हर चीज़ का प्रदर्शनी किया गया था और इसके आधार पर देश के सबसे बड़े ये टूरिस्ट ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये है राजधानी रायपुर में बैडमिंटन एकेडमी शुरू किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, राजधानी रायपुर में बैडमिंटन एकेडमी शुरू किया जाना है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे 2019 में छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन किया गया था जिसके प्रमुख खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और उसी एजेंसी के तहत में छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग अकेडमी का स्थापना किया जा रहा है, जिसके तहत अब ये फैसला लिया गया कि रायपुर में बैडमिंटन अकेडमी का स्थापना किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हॉकी एकेडमी पहले से ही रायपुर में भी स्थित है, राजनांदगांव में भी स्थित है और हाल ही में बिलासपुर में भी बनाया गया है। तो इस बात को भी यहां पर आप ध्यान रखिएगा और इस बैडमिंटन एकेडमी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेस भी अवेलेबल होंगे। तो एक अच्छी पहल है कि स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। क्लियर, याद रखिएगा। बैडमिंटन एकेडमी कहां स्टैब्लिश किया जाएगा, तो रायपुर में किया जाएगा। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और साथ साथ मेंस में भी, वैल्यू एडिशन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मक्का से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहां लगाया जाएगा हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कवर्धा में स्थित है वहां पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर धान से एथेनॉल संयंत्र लगाया जाएगा, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा जो कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि मक्का पर आधारित एथेनॉल संयंत्र लगाया जाएगा। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, कोंडागांव जिले में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि ये कहाँ लगाया जाएगा, तो कोंडागांव के इस मक्का प्रोसेसिंग यूनिट में लगाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मक्का आधारित इस संयंत्र का निर्माण में कितना रुपए खर्च होगा, तो लगभग 136 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इस प्लांट में प्रति वर्ष जो है 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग करके यहाँ एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल पे इतना सरकार का फोकस इसीलिए है क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने एथेनॉल पे प्राइस तय किया है कि इतना रुपए प्रति लीटर जो है एथेनॉल केंद्र सरकार खरीदेगी अगर राज्य सरकार की तरफ से उत्पादन किया जाता है तो। और केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि जो भी डीजल और पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाता है एथेनॉल का, वो अभी कई राज्यों में 5% भी किया जाता है, कई राज्यों में 10% भी किया जाता है और कई जगह पे 5% से भी कम ब्लेंडिंग होता है। ठीक, तो अब यहां पर केंद्र सरकार का यह टारगेट है कि 2025 तक 25% एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाएगा। तो अगर राज्यों के द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या किसी भी स्टेट के द्वारा एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है तो वहां के किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ में सरकार को भी फायदा होगा और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होगा। तो मक्का किसानों के लिए इस एरिया में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर मक्का से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो। ठीक, आप कोंडागांव में देखोगे कि कृषकों के द्वारा दोनों ही सीजन में, रवि में भी और खरीफ में भी, टोटल 2,59,750 मीट्रिक टन जो है मक्के का उत्पादन किया जाता है जो कि पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है। तो कोंडागांव के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है और मक्का का प्रोसेसिंग के लिए एक यूनिट स्टैब्लिश किया गया था वर्ष 2019 में कोंडागांव में ही। ठीक है, तो मक्के
से एथेनॉल संयंत्र लगाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेंस में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है न्याय आपके द्वार अभियान। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी तरफ से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में 17 सितंबर से न्याय जनता के द्वार अभियान यानी कि न्याय आपके द्वार अभियान को शुरू किया गया है, ताकि घर घर जाकर पूरे प्रदेश भर में लगभग 100 शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर वहां पर महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी लोगों को, लोग कानून को लेकर जागरूक हो सके, पॉक्सो एक्ट के बारे में जान सके और उनके अधिकार किस प्रकार से उनके बारे में जान सके। इसीलिए न्याय आपके द्वार अभियान के तहत प्रदेश में 100 से अधिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और उन शिविर पर जाकर लोग अपने हितों के बारे में जान सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। हमर अंगना हमर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कानून से जुड़े लोगों को जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाएगी। तो न्याय आपके द्वार अभियान किसके तरफ से शुरू किया गया, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। किसके अंतर्गत में, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश में। ठीक, इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है। थर्ड जेंडर के लिए पॉलिसी बनाए जाने का मतलब है कि उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके व्यक्तिगत पुनर्वास के लिए यहाँ पर पॉलिसी बनाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जो कि पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की पॉलिसी बनाई है। हाल ही में जो 13 नव नियुक्त पुलिस आरक्षक हैं वो भी थर्ड जेंडर के हैं, जो कि पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 13 आरक्षकों की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक, और इस प्रकार से इनके कल्याण के लिए और इन्हें जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक इनके लिए अलग से कल्याण बोर्ड का भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन किया गया है। तो थर्ड जेंडर के लिए, इनके राइट्स के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने पॉलिसी बनाई है पूरे देश भर में, बस इतनी बात को आप याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है और जो लास्ट का आज का हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय युवा मितान क्लब। छत्तीसगढ़ में यूथ को इम्पावर करने के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया, 18 सितंबर को। हालांकि इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले किया गया था, लेकिन अब जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है। राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ कब हुआ है, 18 सितंबर को, किस उद्देश्य के साथ में, तो प्रदेश के युवाओं को एम्पावर करने के उद्देश्य इसकी शुरुआत की गई है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, और इसके तहत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जितने भी वार्ड हैं वहां चरणबद्ध रूप से लगभग 13,259 राजीव युवा मितान क्लब को जो है वो गठित किया जाएगा। और इसके लिए इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी किया है। और इस युवा मितान के मदद से युवाओं में स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता फैलाया जाएगा, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। तो इस तरह से राजीव युवा मितान क्लब का कार्य होगा। कितने क्लबों की स्थापना की जाएगी, कितने बजट का प्रोविजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कब से शुरू हुआ है, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए इसके बाद जितने क्वेश्चंस हमने शुरू में डील किए उसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में किया होगा। अब इसका आंसर जानने की बारी है। पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका 27 जनवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2022 तक। पिछले लेक्चर में हमने इसे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में लाया जा सके, अलग अलग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी व्यवस्थाएं की गई हैं किस प्रकार से, तो सारी चीज़ें हमने एनालिसिस कर रखा था। तो इसीलिए एक इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जो है 2022 में किया जा रहा है। कब से कब तक, 27 जनवरी से 1 फरवरी तक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन था, राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में जनसंख्या में अदर बैकवर्ड क्लास एवं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्वेक्षण का कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1 सितंबर 2021 से। और पहला जो डेटा एंट्री था वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया और देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इस तरह का सर्वेक्षण शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक,
चलिए इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को सम्मानित किया है? तो ये आपका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ के एकमात्र शिक्षक है। पूरे देश भर से लगभग 44 शिक्षकों को इस दिन सम्मानित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी शामिल थे। ठीक, तो ये था पूरा आज का एक्सप्लेनेशन, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस शुरू में पूछे थे उसका आंसर आपने जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा, और इस तरह से रिवीजन साथ में करते रहिएगा। पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।